खुद ही को कर बुलंद इतना। एंट्री अच्छी है लेकिन मजा आया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर सर्दी से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजाई कहाँ है। ये जोक मुझे बड़ा पसंद है। तो रजाई पीपल, सर्दियां आ गई हैं, इसका क्या मतलब है? हम पियेंगे गर्मा गर्म कॉकटेल, हाँ बढ़िया एकदम। तो अगर आपको सर्दी जुकाम है तो हमारे पास है उसके लिए हॉट टॉडी, या अगर आपको रजाई में बैठ के करना है नेटफ्लिक्स एंड चिल, उसके लिए भी हमारे पास स्पाइक्ड हॉट चॉकलेट। और अगर किसी वीकेंड दोपहर में कॉफी के साथ थोड़ा चाहिए बस, तो उसके लिए आयरिश कॉफी। और क्रिसमस तो आ ही रहा है, मल्ड वाइन तो पीनी है। ये चारों रेसिपीज आज बनाएंगे हम, बढ़िया एकदम वार्म एपिसोड होने वाला है। चलो फिर करते हैं, फिर लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। तो सबसे पहले हम मनाएंगे हॉट टॉडी। अगर है आपको खांसी जुकाम लेकिन फिर भी चाहिए थोड़ा थोड़ा बस, तो बस बनाओ फिर हॉट टॉडी। हॉट टॉडी बड़ा ही सिंपल है। गर्म पानी में बिस्की और थोड़े से स्पाइसेस, नींबू और हनी, ये बिल्कुल वैसे ही है बस हनी टस इन अ ग्लास विद एल्कोहल। ओहो, सबसे पहले ना एक मिक्सिंग ग्लास, इसको हम मिक्स नहीं कर रहे, इसमें एक्चुअली हमें थोड़ा स्पाइस मिक्स बनाना है। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, और जरा सा डालना है क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा स्पाइस मिक्स बनाना है, थोड़ा सा सिनेमन। तो जरा सा ऐसे बस चुटकी भर सिनेमन, चुटकी भर सिंदूर नहीं, सिनेमन की कीमत तुम क्या जानो, और थोड़ा सा चुटकी भर लौंग, और फिर इसको हम सेट असाइड कर देते हैं मिक्स होने के लिए। अब हम लेंगे वो एक्चुअल मग जिसमें हमें बनानी है हॉट टॉडी। तो सबसे पहले डालेंगे 45 ml बिस्की ऑफ योर चॉइस, मैं डाल रहा हूँ जेमिसन, 15 ml लेमन जूस, विटामिन सी नेसेसरी फॉर इम्यूनिटी। अब हम नाप के डाल रहे हैं बट अबाउट 15 ml हनी, और जो हमने स्पाइस मिक्स रखा हुआ था उसको हम इसमें फिल्टर कर लेंगे। सिंपल सी कॉकटेल है, एकदम सिंपल। और इसको टॉप अप करेंगे गर्मा गर्म पानी से। अब पानी कितना ये वो तो सब आप एक्सपीरियंस से जानना है। मिक्स इट अप, गार्निश इट विद अ लेमन स्लाइस एंड अ सिनेमन स्टिक। हियर वी हैव हॉट टॉडी। चलो फिर टेस्ट करते हैं। ओहो एकदम बढ़िया, नींबू पानी हनी, ये तो एकदम वही दादी नानी जो पिलाती थी सर्दियों में, बट वो कोई बिस्किन डालती थी तो उन्हें हॉट टॉडी नहीं आता था, बट हम आपको सिखा रहे हैं। थैंक यू। इससे एक्चुअली सारा खांसी जुकाम चला जाएगा। तो अब जब भी हो खांसी जुकाम, आपको पता है आपको क्या पीना है, ट्राई कर देखो। इट्स नॉट वेरी बूजी एक्चुअली, इनफैक्ट वी कैन मेक इट बूजी विद 60 ml, इट्स वेरी लाइट बूजी है ना, और सटल हिंट ऑफ सिनेमन और क्लोव। कैसा लग रहा है आपको? In fact, we can also add a star anise. I think star anise will add a lot of flavor. है ना? कोई नहीं। अब क्या रेटिंग है इसकी? 4.5 रेटिंग आ चुकी है पहली ड्रिंक की हॉट टॉडी। बढ़िया ड्रिंक है, ये जरूर बनानी है आपको। और सिंपल है कितना, आपने नींबू डालना है, हनी डालना है, विस्की डालना है, गर्म पानी डालना है, और रेडी है। अब हमारे पास आ गया है ये सेटअप, इसका मतलब हम बना रहे हैं हॉट चॉकलेट। और हॉट चॉकलेट बड़ी ही सिंपल है, इसमें क्या डालते हैं, दूध, चॉकलेट, थोड़ा सा नमक, और इसको हम स्पाइक कर दें किससे, विस्की से। हमने एक आयरिश विस्की ले ली है, उसको हम डाल रहे हैं। चलो फिर बनाते हैं हॉट चॉकलेट। पहले एक पैन में हमें डालना है अबाउट 1/4 liter दूध। हमने चॉकलेट शेप के रखे हुए हैं, और ये कौन सी चॉकलेट है, ये बेकिंग चॉकलेट है, और आप इसमें कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, बट डार्क चॉकलेट लेनी है, अबाउट 50% डार्क, वरना बहुत मीठा हो जाएगा। और हम इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करें, जो शुगर चॉकलेट में है उसे यूज़ करें वो हम इसमें डाल रहे हैं। 45 ml आयरिश विस्की हम यूज़ कर रहे हैं, बुशमिल्स विस्की, आयरिश विस्की है, बड़ी अच्छी, 45 ml। जब हॉट चॉकलेट बनाते हैं तब चॉकलेट के साथ सॉल्ट डालना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज सॉल्ट एक्चुअली अप्रिशिएट करेगा चॉकलेट के टेस्ट को। थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं, तो इसको ऑन कर देते हैं फिर। A few moments later. चलो फिर सर्व करते हैं। ओहो, I am so looking forward to it. और इसको गार्निश करेंगे मार्शमेलोस के साथ। आहा, and here we have spiked hot chocolate. अब रजाई में बैठ के इसको ऐसे पकड़ के और जो पीना है, ओहो मजा ही आ जाएगा। चलो फिर टेस्ट करते हैं। ओहो, ये आपने बनाया ना, आप मतलब फैन ही हो जाने वाले हो मेरे। यार क्या ड्रिंक है ये, अमेजिंग ड्रिंक है। यू कांट इवन टेस्ट विस्की, हल्का सा एक हिंट है, बड़ी अमेजिंग है ये। आप मुझे लग रहा है विंटर्स में रोज ही पीने वाले। व्हाट इज योर रेटिंग? आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नीचे से पकड़ो, साइड से पकड़ो, गर्म है ये, आप रोज बनवाने वाले हो मेरे से। क्या रेट करेंगे इसको?
भाई मरे यहाँ पे कंफेटी हो जानी चाहिए, सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पाइक्ड हॉट चॉकलेट एंड इट्स डजंट कम अ सरप्राइज। अगर इसमें 6 रेटिंग होती तो 6 मिल जाती आज सारे, मुझे पता है स्पाइक्ड हॉट चॉकलेट बढ़िया है, ये रोज पीने वाले हो आप। हमने इसमें एक्चुअली मोडे की चॉकलेट यूज करी है जो बेकिंग चॉकलेट है, इसकी इमेज अभी यहाँ पे आ गई है, बट आपको जो चॉकलेट सही लगती है आप वो यूज करो यार, बट ज्यादा मीठी ना हो। अब जो हम मना रहे हैं वो है मल्ड वाइन। अच्छा मल्ड वाइन रेड वाइन से भी बनती है, व्हाइट वाइन से ही बनती है, बट क्लासिक मल्ड वाइन रेड वाइन से ही बनती है। इसको अगर आपने रजाई में बैठ के पिया तो बस समझ लो क्रिसमस के दिन जब हर जगह चल रहा है जिंगल बेल, आपके होंगे जिंगल बल्ले, तो बनाते हैं फिर मल्ड वाइन। तो हमने लिया एक पौआ रेड वाइन का 180 ml, इसको हम पूरा इसमें खाली कर रहे हैं, 100 ml वाटर। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस अगर डालनी है जो भी स्पाइसेस मन करे, कार्डमम भी डाल सकते हैं, क्लोव, स्टार एनीस, सिनेमन, हम जो डाल रहे हैं सिनेमन क्लोव एंड कौन सा स्टार एनीस, तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे और इसमें डाल देंगे। तो हमने इसमें ग्राइंड के लिए थोड़ा सा सिनेमन, 2 क्लोव और 1 स्टार एनीस, तो ये इसमें हम डाल देते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं 2 teaspoon ब्राउन शुगर। अच्छा ब्राउन शुगर जरूरी है, व्हाइट शुगर नहीं, क्योंकि ब्राउन शुगर थोड़ा सा कैरमलाइज टेस्ट है, वो भी आएगा, मजा आएगा उसी को। और एक ऑरेंज व्हील भी डाल देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। अच्छा मल्ड वाइन को जब आप सर्व कर रहे हैं तो उसको डबल फिल्टर कीजिए, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे स्पाइस के पीसेस आएंगे मुंह में आएंगे तो मजा नहीं आता। और एक बढ़िया सा हैक बताता हूँ, जो हमने ऑरेंज का बीन डाला था वो है एकदम फ्लेवरफुल, उसी को यूज करेंगे एज गार्निश। हमारे पास ये 2 छन्नियाँ हैं जिसमें से हम फिल्टर करके गार्निश हमारे उसी ऑरेंज बीन के साथ एंड आर सिनेमन स्टिक व्हिच वी कैन ईदर पुट और जस्ट पुट इट इन, देयर वी हैव मल्ड वाइन। अब मैं ये टेस्ट कर थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो हमारी कैमरा वुमेन है, हमारी वाइफ, ये एक्चुअली मल्ड वाइन स्पेशलिस्ट है, ये मल्ड वाइन काफ़ी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो मैं काफ़ी वरीड हूँ। तो मैंने एक्चुअली ये पहली बार मल्ड वाइन बनाई है, बट इनका तो थोड़ा रोज़ का चलता है, रोज़ का मतलब ओवर स्टेटमेंट है। टेस्ट करते हैं। ओहो बढ़िया, एकदम वाइन की कंसिस्टेंसी मेंटेन है, स्पाइसेस भी सटल हैं, ट्राई करो, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या रेटिंग क्या देंगे आप भाई, वो आज दूसरी ड्रिंक की 5 रेटिंग हो चुकी है दोस्तों, ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आप ये दिन मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, जहाँ पे 4 में से 2 की तो एटलीस्ट 5 रेटिंग आ चुकी है। अब हम एक और बनाने वाले हैं, देखते हैं उसका क्या होता है। अब हम बना रहे हैं आयरिश कॉफ़ी। अब आयरिश कॉफ़ी में कुछ लोग बोलते हैं बेलीज डलती है, ये डलता है, वो डलता है, अरे आयरिश कॉफ़ी में सब कुछ नहीं डलता, बड़ी सिंपल रेसिपी होती है। आयरिश कैफी इज़ नथिंग बट अमेरिकानो विद विस्की। अब आपके घरों में देखो वो नहीं होता है एस्प्रेसो शॉट, तो हम वही यूज़ करेंगे नेस्कैफे, यू नो टाटा नेस्कैफे यूज़ करेंगे हमने 1 teaspoon नेस्कैफे। उसमें हम डालेंगे 2 teaspoon ब्राउन शुगर और हम डालेंगे गर्म पानी और इसको करेंगे मिक्स। तो चलो फिर बनाते हैं। हमने लिया वही सर्विंग ग्लास और उसमें हमने डाला 45 ml विस्की। अब आयरिश कॉफ़ी पी रहे तो आयरिश विस्की डालनी पड़ेगी दोस्तों। और उसमें हमने डाल दिया अपना अमेरिकानो का शॉट, इसको मिक्स कर लेते हैं, नीड सम मोर वाटर। अब इसको टॉप करेंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ। अब व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप मत यूज करो यार, इमोशनल डैमेज। और हमने इसको स्प्रिंकल किया सिनेमन के साथ, क्या बनी है ये। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी पाइपिंग नहीं आती तो थोड़ा सा लुक्स थोड़ा फनी। चलो फिर टेस्ट करते हैं। ओहो एकदम डेकाडेंट है ये, और ये व्हिप्ड क्रीम लगाई है उससे टेस्ट बढ़िया हो गया एकदम। ये धीरे धीरे सिप करते हुए रजाई में बैठ के पीने का मजा है। ये लो बताओ आप, आपको कैसी लग रही है। और हमने सिंपल कॉफ़ी यूज़ करी है, बट अगर थोड़ी आप बेटर कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, एस्प्रेसो शॉट यूज ले सकते हो तो बढ़िया है, हमें तो नॉर्मल नेस्कैफे ही ले लिया। क्या रेटिंग देंगे आप, 4.5। आज का दिन एक्चुअली ऐतिहासिक बन चुका है दोस्तों। आज हमने 4 ड्रिंक बनाई, इसमें 2 4.5 थी, 2 5 थी, इससे इतना बढ़िया जो आज दिन हुआ है। तो ये देखो ये कमाल है विंटर्स में हॉट कॉकटेल्स का, तो ये सब बनाओ आप। अगर आप इस टाइम तक भी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में फायर इमोजी लगाओ, फायर इमोजी, ताकि मुझे लगे आप एंड तक देखा है ना। चलो फिर बनाओ ये।